हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यजीत गायकवाड़ आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। आज का हमारा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं बिटवीननेस और प्रैक्टिस सेट 1.1। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने यहाँ पर पूरी सॉल्व कर ली है, आपको कोई भी उसमें डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज हेयर फॉर यू। नून एकेडमी क्या है, जिसमें हम सीखेंगे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी क्लासेस हमारे लिए फ्री अवेलेबल कर दी गई है, वो भी फ्री लाइव क्लासेस। आपको मिलेगा डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन। आपको फिर एक बार मिल सकता है डेली नोट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। उसके बाद आपको मिलेंगे एमसीक्यू प्रिपरेटरी सेशंस, एमएससीईटी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट वगैरह, उसकी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको मिलेगा अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, और ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है पूरी की पूरी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। तो देर ना करते हुए जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कीजिए और नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मज़ा उठाइए। तब तक के लिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस हमें लर्न करना है। क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस, क्या होता है ये हमें पहले समझ में लेना है, जो कि यहाँ पर एक नंबर लाइन के थ्रू हम समझ में लेंगे। यहाँ दी गई है एक नंबर लाइन जिसकी शुरुआत यहाँ से होगी ज़ीरो। ज़ीरो यानी ओरिजिन, उस नंबर लाइन का ओरिजिन है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो निगेटिव इंटीजर्स एंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बेसिक कंसेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं क्लास फिफ्थ सिक्स में। तो उसके बाद हम आज देखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो इस नंबर लाइन पर जब, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हर एक पॉइंट के नीचे उसकी वैल्यू है या उसका जो नंबर है वो नंबर दिया गया है। पॉइंट ए के नीचे, उसके नीचे है -5, मतलब -5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इसके बाद हम देखेंगे बी, बी के जगह पे क्या है -3, मतलब -3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। यहाँ पर -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, वैसे ही 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड 3 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ ई। और उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी ई। तो हमें क्या करना है, हमें करना है द ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 3। उसके बाद माइनस करना है स्मॉलर कोऑर्डिनेट, स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या आया डिस्टेंस ऑफ डी ई, क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू 2। लेकिन क्या, 2 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, -5 या -3, कौन सा है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज -3, -3 इज द ग्रेटर कोऑर्डिनेट एंड -5 इज स्मॉलर। तो -3 पहले लिख लेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। स्मॉलर क्या है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, -5। तो उसके बाद इन ब्रैकेट -5 ऐसे लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस गेट्स प्लस प्लस 5, दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इक्वल टू 2। बड़े वैल्यू से, बड़े इंटीजर से छोटा इंटीजर माइनस करके जो बड़े इंटीजर है उसकी साइन लिख लेंगे, यानी प्लस 2। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आया, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस 2। ओके, तो ये है डिस्टेंस। और डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आने के बाद, ये लगभग लगभग आप डिस्टेंस समझ में आने के बाद, अब लगभग ये आधा चैप्टर समझ में आने जैसा है। तो चलिए आगे एक एग्जांपल बिटवीननेस देख लेंगे। बिटवीननेस क्या होता है, बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन यानी क्या, बीच में। जो आप इन तीनों लाइंस में आप देख सकते हैं, जैसे कि पहली लाइन जो है वहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं पी क्यू आर, दूसरी लाइन में भी पी क्यू आर दिया गया है, तीसरी लाइन पर भी पॉइंट्स पी क्यू आर दिए गए हैं। तो पॉइंट्स तो सेम है, लेकिन पॉइंट्स की अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर पॉइंट्स की अरेंजमेंट अलग अलग है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है पॉइंट पी, दूसरा है पॉइंट क्यू, तीसरा है पॉइंट आर। यहाँ पर पहला पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट उसके बीच में आर और एंड में क्यू, और यहाँ पर आर, उसके बाद पी और उसके बाद क्यू। तो इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, पी डैश क्यू डैश आर, पी डैश आर डैश क्यू, आर डैश पी डैश क्यू। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है, डायग्राम देख के आप समझ सकते हो। पहले
जो हमने लिखा पी डैश क्यू डैश आर, उसका मतलब उसकी डायग्राम बता दी थी। डायग्राम में देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट क्यू इज़ इन बिटवीन पॉइंट आर, लेकिन जब डायग्राम नहीं दी गई होती है तब हम इस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर डायग्राम नहीं दी गई है वहाँ पर कुछ इस तरह से वो वैल्यू, वो बिटवीननेस का कंसेप्ट जो है वो शो किया जाता है, लेकिन यानी कि पी डैश क्यू डैश आर। इसका मतलब है कि पॉइंट क्यू पी और आर के बीच में है। यहाँ पर पॉइंट आर बीच में है, कौन किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में। पॉइंट पी आर और क्यू के बीच है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार हम बिटवीननेस शो करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है? तो बिटवीननेस का यूज़ एक सिंपली हम मैं यहाँ पर पहले एग्जाम्पल से आपको बता दूँ। पहले एग्जाम्पल में हमें दिया गया है पी डैश क्यू डैश आर, यानी कि पी और आर दोनों एंड पॉइंट है और क्यू उन दोनों के बीच में है। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस, यहाँ पर डायग्राम देख के आप समझ सकते हो, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस जो है और पी और आर के बीच में है, सबसे बड़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये है सबसे बड़ा डिस्टेंस। तो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों छोटे डिस्टेंस हुए, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये वाली वैल्यू खाली हमें ध्यान में रख लेनी है। यानी कि सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है उस दोनों रिमेनिंग डिस्टेंस के सम के। सम ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंसेस, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर ये दी गई है वैल्यू तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन दिया गया है तो हम उसमें से ये वैल्यू ऐसे बिटवीननेस शो कर सकते हैं। तो आई होप बिटवीननेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए और समझ में लेंगे। अन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी इज गिवन, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज गिवन एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी इज गिवन, देन विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में है ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। तीनों डिस्टेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, पहली बात ये है कि सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस लिख लेना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी। सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पर बी सी, वो लिख लेना है। कितना है डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 11, उसे देना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है रिमेनिंग डिस्टेंस की एडिशन करनी है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू दे आर फोर, दोनों सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आया, ए बी 5 है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए बी 5 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी 6, 5 प्लस 6 11, ये बना इक्वेशन सेकंड। तो क्या हुआ, दोनों वैल्यू जो है वो 11 आई, दोनों वैल्यू क्या है 11 है, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी दैट इज इक्वल टू, अब इसके बाद में हुआ क्या, दोनों वैल्यू इक्वल है, ये 11 है और ये भी 11 है, ओके ये भी वैल्यू 11 है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, इक्वल होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात एक है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी, यानी कि बी और सी ये दोनों क्या हुए, एंड पॉइंट्स हुए। बचा क्या, बचा पॉइंट ए जो कि इन दोनों के बीच में होगा। मतलब इसे लिखना कैसे है, लिखना कैसे है हमें बी डैश ए डैश सी इस तरह से लिख लेना है। मतलब पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है, इज इन बिटवीन कौन से पॉइंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सॉरी पॉइंट ए इज इन बिटवीन, सॉरी पॉइंट ए इज इन बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, ओके। तो यहाँ पर हमें इसे लिख लेना है। तो कुछ यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट बीच में है ये हमें फाइंड आउट करना था। पॉइंट ए दोनों के, ए बी और सी के बीच में है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, क्या देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, इसमें हमें सॉल्व करना है। नंबर लाइन दी गई है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ बी ई, पहला तो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ बी ई। तो अभी अभी मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ बी ई कैसे फाइंड आउट कर, कोई भी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, द ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, यही ध्यान में रखना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर। ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है, बी या ई, जी हाँ ई, कितना है 5, उसके बाद बी कितना है 2, मतलब 5 - 2 करेंगे, क्या करेंगे 5 - 2 दैट इज इक्वल टू क्या आया, दैट इज इक्वल टू 3, 3 यूनिट्स। वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ बी ई, डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ओके। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ जे ए फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ जे ए, जे ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए जे और ए के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है,
ये रहा जे और ये रहा ए। बड़ा कौन सा है? ए वाला बड़ा है, यानी कि प्लस पॉजिटिव है, मतलब 1 बड़ा है, पहले लिख लेंगे। माइनस छोटा कौन है? माइनस 2, उसके बाद माइनस 2 लिख लेंगे। 1 माइनस ऑफ माइनस 2, दैट इज माइनस माइनस गेट्स प्लस, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस ऑफ जे ए क्या आया? डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू 3। ओके, कुछ इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, 3 यूनिट्स, कुछ इस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप पीसी और जेएच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया कुछ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? एक्स। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? वाई। ए और बी, एक्स और वाई के वैल्यू फॉर्म में वैल्यू दी गई है, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी, पहला क्वेश्चन, इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है? देखिए पहले इसमें बड़ा कौन है? वाई, मतलब वाई माइनस एक्स करेंगे। वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, 6 यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ओके, देन सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी? बड़ा वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स या वाई? एक्स, मतलब एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स 6 माइनस वैल्यू ऑफ वाई माइनस 2 इन ब्रैकेट माइनस 2 दैट इज 6, माइनस माइनस गेट्स प्लस, 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। क्या बना? 8 यूनिट्स। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आया? 8 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 7। बड़ा वाला कौन सा है? 7, दैट इज वाई। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या बनेगा फिर? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यहाँ पर वाई माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ वाई 7 माइनस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 10, 10 यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी? 10 यूनिट्स। अब इसके बाद भी डिस्टेंस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। जैसे कि अभी हमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ पी आर 7, पी क्यू 10 और क्यू आर 3। तो हमने जैसे जो सॉल्व किया था, जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था, उसमें सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस, अगर बिटवीननेस हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस लिख के लेना है पहले। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ऑफ पी आर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो ये पी क्यू लिख के लेंगे, इज इक्वल टू 10, 10 यूनिट्स। ये बना हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस की एडिशन करेंगे। कौन सा है रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कौन सा है? पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो दोनों की एडिशन कितनी आएगी? 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10। तो राइट हैंड साइड देखिए दोनों इक्वेशंस की कितनी आई, राइट हैंड साइड इक्वल आई। राइट हैंड साइड यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10, तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पहली पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ओके, तो कुछ इस प्रकार अगर हमने लिख लिया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा डिस्टेंस है पी क्यू, मतलब सबसे एंड पॉइंट कौन से होंगे? पी क्यू, बीच में कौन रहेगा? आर। तो बीच में आर रहेगा, तो पहले आया पी, उसके बाद आया आर और उसके बाद आया क्यू। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है पी क्यू, यानी कि ये पी और क्यू एंड पॉइंट बनेंगे, बीच में कौन आया? आर। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट आर, पॉइंट आर इज इन बिटवीन, किसके बीच में है? इज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, पी और क्यू के बीच में कौन है? पॉइंट आर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ आर एस, डिस्टेंस ऑफ एस टी एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इज गिवन। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ आर टी, डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस ऑफ आर एस। आर एस कितना है? 8 यूनिट्स। इक्वेशन 1 लिख लेंगे उसे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ एस टी, डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6, सॉरी हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी करना है। डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू
सिक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू 10 10 यूनिट्स। तो ये बना हमारा इक्वेशन सेकंड। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ आरियस जो है वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ आरियस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। अगर इक्वल ही नहीं हुआ तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो ये बिटवीननेस लिखने का तो सवाल ही नहीं। सिर्फ आंसर क्या लिखना है, आंसर इतना ही लिखना है द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब इक्वल नहीं आया, यहाँ जैसे इक्वल आया था यहाँ पर पहले पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ऐसा हमें लिख लेना है। ओके तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बताया गया है ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए सी सबसे ए सी इक्वल टू 10, बी डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8 एंड डिस्टेंस ऑफ फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें दिया गया है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि क्या सभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो हमें कंसिडर कर लेना। देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए पहली पॉसिबिलिटी, सपोज यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स, सपोज ए बी एंड सी, ऐसी कुछ डायग्राम बनेगी। पहले पॉसिबिलिटी में पॉइंट बी बीच में आ गया दोनों के, इन बिटवीन ए एंड सी। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी बी ए सी। तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी ए सी बी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है 10 और डिस्टेंस ऑफ सी बी 8, पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी कि डिस्टेंस ए सी बड़ा है। दूसरी पॉसिबिलिटी में सी बी जो है ये वाला डिस्टेंस ऑफ सी बी या बी सी बोल सकते हैं, ये 8 दिखाया गया है और यहाँ पर ए सी 10, ए सी 10, तो ये 10 होकर ये 8 पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी हमें कंसिडर करनी नहीं है, खाली सिर्फ और सिर्फ हमें दो पॉसिबिलिटी ध्यान में रखना है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, और ये दोनों पॉसिबिलिटी हमें सॉल्व करनी है। पहली पॉसिबिलिटी में देखेंगे ए बी सी, मतलब ए डैश बी डैश सी, क्या लेंगे ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, कुछ इस तरह। उसमें वैल्यू कौन कौन सी मालूम है, डिस्टेंस ऑफ ए सी 10, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, जैसे तैसे लिख लेंगे एज इट इज, प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी यानी कि सी बी, बी सी और सी बी सेम वैल्यू, तो वो लिख लेंगे, वो क्या है डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है 8, तो प्लस 8 को लाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब क्या बनेगा 10 प्लस 8 इधर आया के बाद में माइनस 8, तो रहा क्या है यहाँ पे बाकी डिस्टेंस ऑफ ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली, ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी तो पहले शुरुआत में ही एंड हो गई। तीसरी वाली पॉसिबिलिटी मतलब ओरिजिनल दूसरी वाली, वो क्या है ए डैश सी डैश बी, मतलब सी बीच में आ सकता है, तो सी बीच में आने के बाद में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी सबसे बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी सबसे बड़ा मतलब दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी, दैट इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है 10, सी बी की वैल्यू क्या है 8, 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18, 18 यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ओके तो कुछ इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, और कुछ इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। सेम सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर मतलब एक्स डैश वाई डैश जेड ये दिया गया है, तो इस पे से इक्वेशन क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, सिंपल। तो इसमें से वैल्यू कौन कौन सी मालूम है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मालूम है जी नहीं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फाइंड करना है, ये देखिए यहाँ पर। तो क्या मालूम है, फिर हमें मालूम है एक्स वाई 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड दैट इज 8, 17 प्लस 8 दैट इज 25, मतलब 25 यूनिट्स किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना आया
डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। ओके, कुछ इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखेंगे, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब पॉइंट बी ए और सी के बीच में आएगा। उसके बाद ए सी दिया गया है, बी सी दिया गया है और ए बी फाइंड आउट करना है। इसमें से इक्वेशन बनाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी सबसे बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ऐसा इक्वेशन बनेगा हमारा। ओके, तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया गया है 11, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी एज इट इज़ रख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया गया है 6.5, एंड सेकेंड लास्ट स्टेप 6.5, पॉजिटिव 6.5 प्लस 6.5 लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, क्या बनेगा 11 माइनस 6.5, दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया आंसर, आंसर आया 4.5, 11 माइनस 6.5 दैट इज़ 4.5 डिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना था, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया 4.5। तो उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1, 2, 3, दे आर नॉन कोलिनियर, सीधी लाइन में नहीं है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक ट्रायंगल, क्या बनेगा ट्रायंगल। ओके, ठीक है, कौन से भी पॉइंट ले लो, उससे उससे एक ट्रायंगल ही बन सकता है अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट रहे तो। तो आई होप जैसे भी जितने भी एग्जांपल हमने आज लिए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने लिए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।